बहराइच के महाराजगंज में पुलिस की हत्या के मामले में शामिल दो संदिग्धों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए। ये विदान नैनपारा कोटवाली के बाईपास के पास हुई। सरफराज और तालिब के रूप में पहचाने गए घायल संदिग्धों को इलाज के लिए नैनपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां सुरक्षा करीब कर दी गई और प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। सरफराज मुख्य आरोपी अब्दुल हामिद का बेटा है। जी, थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई, और वहां पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असलाह इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था, और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है, और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी, अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है, और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है, शीघ्र अतिशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है, और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम, तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है, और थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बहराइच एनकाउंटर पर कहा कि पुलिस पर गोली चलने वालों से नरमी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस को अपराधियों को पकड़ना चाहिए और प्रतिरोध के कारण गोलीबारी हो सकती है। कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहलाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है, वो चाहे मरे जिंदा या मुर्दा उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर, जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियाँ लगी है ना, और कुछ लगेगा।